नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों का एक ताजा ओपिनियन पोल सामने आया है। उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों पर जो ओपिनियन पोल आया है इसके आंकड़े चौंकाने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी खबर जो है इस ओपिनियन पोल में आ रही है, आंकड़े आगे विस्तार से हम आपको दिखाएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अब बीजेपी के अजान के बाद विश्व हिंदू परिषद को देश में नमाज पढ़ने पर ऐतराज हो रहा है। विश्व हिंदू परिषद के एक नेता ने नमाज पर पाबंदी लगाने को लेकर के बड़ा बयान दिया है, क्या कुछ कहा इसकी भी तस्वीर दिखाएंगे और आपको पूरी खबर के बारे में रूबरू करेंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, कंगना रनौत की उल्टी गिनती शुरू, देश की आजादी भीख में मिली वाले बयान पर कंगना रनौत के खिलाफ कई जगहों पर केस दर्ज, साथ ही साथ कंगना रनौत को जो है भैंस के ऊपर बिठा करके प्रदर्शन किया गया है, इसकी भी एक तस्वीर दिखाएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों कि मोदी सरकार अब एक और नया कानून लाने जा रही है जिससे देश की 130 करोड़ जनता पर इसका असर पड़ेगा, कौन सा वो कानून है इसकी भी जानकारी आगे हम आपको देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, त्रिपुरा में मुसलमानों के खिलाफ हुई हिंसा के खिलाफ महाराष्ट्र में बताया जा रहा है कि प्रदर्शन किया गया था और इस प्रदर्शन में भी हिंसा शुरू हो गई है, इसको लेकर भी बड़ी खबर, इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बहुत बड़ा हमला, क्या कुछ उन्होंने कहा इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों कि अब जो है भारत और पाकिस्तान के बाद जो है भारत चीन के बॉर्डर पर अब चीन अपनी नापाक हरकतों को अंजाम दे रहा है दोस्तों। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक एक ताजा जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, चीन अपने सैनिकों को लगातार यहां पर डिप्लॉय कर रहा है, किस तरह से रिपोर्ट भी आगे हम आपको दिखाएंगे। वहीं कुछ और अपडेट आपके सामने रखेंगे, उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करें दोस्तों, वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करते हैं पहली और बड़ी खबर की, जैसा कि आप सभी जानते होंगे आने वाले कुछ ही दिनों के बाद जो है 5 ऐसे विधानसभा के चुनाव हैं जो होने वाले हैं जिसमें उत्तर प्रदेश, मणिपुर, पंजाब जैसे कई राज्य शामिल हैं, लेकिन उत्तराखंड की दोस्तों 70 विधानसभा सीटों का एक ताजा ओपिनियन पोल सामने आया है। ओपिनियन पोल के आंकड़े दोस्तों यहां पर चौंकाने वाले हैं। एबीपी सी वोटर के सर्वे के मुताबिक उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों में कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। हालांकि सीटें बीजेपी को जरूर ज्यादा मिल रही हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी कांटे की टक्कर यहां पर दे रही है। उत्तराखंड की 70 सीटों के ओपिनियन पोल की बात करें तो कांग्रेस से को 30 से 34 सीटें मिल सकती हैं, जबकि बीजेपी को 36 से 40 और आम आदमी पार्टी को 0 से 2 और अन्य के खाते में 0 से 1 सीट जा सकती है। तो ये है दोस्तों जो है उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल, आपके हिसाब से कौन सी पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाएंगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, बीजेपी के अजान के बाद अब विश्व हिंदू परिषद को देश में नमाज से जो है ऐतराज हो गया है। आप इस खबर को देख सकते हैं, कुछ दिन पहले प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने अजान को लेकर के विवादित बयान दिया था, लेकिन अब विश्व हिंदू परिषद के एक नेता ने देश में नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगाने का बड़ा ऐलान किया है। आपको हम खबर दिखा रहे, देख सकते हैं हाल ही में भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर के बाद अब विश्व हिंदू परिषद के नेता और राष्ट्रीय महामंत्री मिलिंद पराडे ने राजगढ़ में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा देश में बंद किया जाए क्योंकि इससे लोगों को प्रॉब्लम होती है। साथ ही साथ उद्घाटन से पहले हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम भी बदलने का प्रस्ताव उन्होंने रखा है और इसके साथ साथ जो है देश में लाउड स्पीकर से होने वाली नमाज और अजान पर पाबंदी लगाने की भी बात उन्होंने कही है। यानी कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बाद अब विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री मिलिंद पराडे ने देश में अजान और नमाज को लाउड स्पीकर से बंद करवाने की मांग कर दी है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, कंगना रनौत के देश की आजादी भीख में मिली है इस बयान पर लगातार देश में जहां एक तरफ अफरा तफरी का आलम है, वहीं कंगना रनौत के खिलाफ जोधपुर, उदयपुर, चूरू में जो है यानी एफआईआर दर्ज की गई है और जिसके बाद जो है कंगना रनौत की मुश्किलें बढ़ गई हैं। साथ ही साथ खबर सामने यह भी आ रही है कि कंगना रनौत को जो है अब भैंस के ऊपर बिठा करके भी प्रदर्शन किया गया है, जिसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की,
अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, भारत और चीन बॉर्डर पर एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ है। आप इस खबर को देख सकते हैं दोस्तों, लगातार चीन अपनी नापाक हरकत को अंजाम देने के लिए भारत में घुसपैठ कर रहा है, लेकिन चीन के सैनिक पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके में देखे गए हैं दोस्तों। ये ताजा रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान ने चीनी सैनिकों को पोक में घुसा दिया है। इस रिपोर्ट के बाद से भारत के कान खड़े हो गए हैं। हालांकि पाकिस्तान का कहना है कि चीनी सैनिक कश्मीर में बॉर्डर पोर्ट जो है पोस्ट और गांवों का निरीक्षण कर रहे हैं। कश्मीर ऑब्जर्वर की एक रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के केल जुरा और लीपा सेक्टर में करीब 4 दर्जन चीनी सैनिक एक महीने पहले पहुंच गए हैं। तो कहीं ना कहीं चीन अपनी नापाक हरकत को लगातार अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। बॉर्डर एलएसी के ऊपर बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, देश में अब देश के 130 करोड़ लोगों को एक और बड़ा झटका लगने जा रहा है। महंगाई की एक और मार देश के 130 करोड़ लोगों पर पड़ने जा रही है। आप इस खबर को देख सकते हैं, मोदी सरकार एक नया कानून लाने जा रही है। देश में पावर सेक्टर का हाल बुरा है। पावर जनरेटिंग कंपनियों के साथ साथ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां डिस्कॉम भारी घाटे में जूझ रही है। भारत बड़े पैमाने पर कोल का आयात करता है और देश में ऊर्जा का प्रमुख साधन कोयला ही है। ऐसे में जब इंटरनेशनल मार्केट में फ्यूल का प्राइस बढ़ता है तो पावर जनरेटिंग कंपनियां भी लागत बढ़ा देती हैं। इसी के साथ साथ खबर सामने आ रही है कि अब बिजली आपके लिए महंगी हो जाएगी। सरकार नया नियम लागू करने जा रही है, यानी कि देश में खाने पीने की चीजों के बाद अब बिजली भी आपको महंगी जो है हो सकती है और इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। खैर, अच्छे दिन एंजॉय करते रहिए। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, त्रिपुरा में मुसलमानों के खिलाफ हुई हिंसा के खिलाफ अब जो है महाराष्ट्र में एक प्रदर्शन में भयंकर हिंसा हुई है। आप इस खबर को देख सकते हैं, महाराष्ट्र तक पहुंची त्रिपुरा हिंसा की आंच। 3 शहरों में शरारती तत्वों की तोड़फोड़, पुलिसकर्मियों पर भी पथराव किया गया है। जानकारी के मुताबिक खबर सामने ये आ रही है कि महाराष्ट्र में जो है अमरावती, नांदेड़ और नासिक में जो है एक प्रदर्शन हो रहा था त्रिपुरा हिंसा के खिलाफ, और इसी में कुछ अराजक तत्वों ने जो है अपनी जो को दिखाया है और यहां पर हिंसक झड़प देखने को मिली है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बहुत बड़ा हमला। आप इस खबर को देख सकते हैं, बीजेपी पर भड़के ओवैसी बोले हैं कि नफरत इतनी फैला दी गई है कि हरा रंग देखकर भक्त हो जाते हैं लाल। दरअसल देश में लगातार जब से बीजेपी सत्ता में आई है तब से किस तरह से लोगों के बीच नफरत फैलती जा रही है, इसको लेकर के तमाम विपक्षी पार्टियां बीजेपी को इसका कसूर ठहरा रही है। लेकिन इसी भी चुनाव से पहले चुनावी कैंपेन में लगे असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि बीजेपी देश में इस तरह से नफरत फैला रही है कि अब हरा रंग देकर के भक्त लाल हो जाते हैं। सकते हैं आपकी अपनी क्या राय, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।